मैं आपको कह रहा हूं ये जो सेकंड वेव है, फर्स्ट वेव ठीक है उसमें बात समझ नहीं आई, वो अलग चीज है, मगर ये जो सेकंड वेव है ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने जो नौटंकी की, प्रधानमंत्री ने जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, इसका कारण सेकंड वेव है। और मैं देश को अभी बता रहा हूं, अगर वैक्सीनेशन इसी रेट पे चलता गया, मतलब आज के प्लान पे अगर आप चलें, तो मई 24 में हिंदुस्तान की पूरी जनता का वैक्सीनेशन होगा। अगर इस रेट पे वैक्सीनेशन चलता गया तो थर्ड वेव आएगी, फोर्थ वेव आएगी, फिफ्थ वेव आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आपका वायरस बदल जाएगा, म्यूटेट कर जाएगा। जहां से भी आप वैक्सीन ले सकते हो आप लोग, जैसे भी आप ले सकते हो आप लोग, और जल्दी से जल्दी जितने लोगों को आप वैक्सीनेट कर सकते हो करो। और ये जो आप बहाने बना रहे हो कि ये स्टेट ने किया, ये उसने किया, ये इसने किया, ये बहाने बंद करो, और जो आपको जिम्मेदारी हिंदुस्तान की जनता ने दी है उसको पूरा करो। डरो मत। लीडरशिप का ये मतलब है, लीडरशिप का ये मतलब नहीं होता कि भैया मैं काम नहीं कर पाया तो उसकी गलती, उसकी गलती, उसकी गलती, उसकी गलती, बक स्टॉप्स विद द प्राइम मिनिस्टर। अब आप लीडर बनने का समय आया, आपका बनो, कहो कि हां मैं करूंगा, मैं वैक्सीन दिलवाऊंगा, कैसे भी करूंगा मैं करूंगा, दम दिखाओ अपना।